नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी का सिंबल नकुल दुबे को पहनाया। कांग्रेस पार्टी नेता प्रियंका गांधी ने पूर्व कानून मंत्री नकुल दुबे को सदस्यता दिलाई है। पीलीभीत के ब्लॉक ललोरीखेड़ा स्थित बार नवादा ग्राम पंचायत के प्रधान का एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर ग्रामीण काफी खुश नजर आए। बताया जा रहा है कि पूर्व में इस ग्राम पंचायत से जो भी प्रधान हुए उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया, पर ग्राम पंचायत में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। पहली बार 2021-22 के ग्राम प्रधान पद के चुनाव मैदान में आए ब्रजेश गंगवार ने चुनाव जीतने के बाद अपने एक साल के कार्यकाल में ही गांव के विकास के लिए इतने काम कर दिए जो आज तक कभी नहीं हुए थे। गांव जो ललोरीखेड़ा ब्लॉक का सबसे पिछड़ा गांव था, वहां आज काम होता दिखाई दे रहा है। ललोरीखेड़ा ब्लॉक के हम बार नवादा गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ यहां के जो प्रधान हैं ब्रजेश कुमार जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे विकास कार्यों की, क्या एक वर्ष के कार्यकाल में क्या विकास को लेकर उन्होंने काम कराए हैं, और जनता जिस तरीके से हमने जनता से बात की, जनता का साफ तौर से कहना है कि जनता जो है उनके विकास कार्यों से काफ़ी खुश नजर आ रही। तो सीधे हम प्रधान जी से ही बात कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आपका जो गांव है बार नवादा, तो आप यहां के प्रधान हैं, क्या विकास को लेकर इन 100 साल वो एक वर्ष के कार्यकाल में आपने काम कराया है? सबसे पहले तो मेरे ग्रामवासियों के लिए मेरा एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सहयोग के लिए, जो उन्होंने मेरा सहयोग किया उसके लिए। रही बात विकास की, विकास की ऐसी दास्ता छोड़ के जाऊंगा बार नवादा में, प्रधान रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं, जो विकास की गंगा बह रही है आने वाले समय में वो भी बहेगी। अगर विकास नहीं होगा तो प्रधान कोई भी बने, जनता उसे जूतों से मारेगी। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं काम की, तो अभी इस एक वर्ष के कार्यकाल में आपने कितनी सड़कें यहाँ पर बनवा दी हैं और कितना पेपर ब्लॉक वगैरह आपने काम कराया? इतनी सड़कें मैंने बनवा दी हैं, अगर मुझे 10 सालों में इतनी सड़कें बनी हुई मिलती तो आज मुझे समस्या नहीं होती, मुझे बिल्कुल कंडम गांव मिला। मगर बार नवादा का भाग्य बदलने की जो मैंने शपथ ली है वो पूर्ण कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक ही जज्बा लेके मैं काम करता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ गांव के लिए। जिस तरीके से पूर्व में भी कई प्रधान रहे, उनके कार्यकाल के में कुछ काम हो पाया नहीं हो पाया था? मेरे हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। अगर काम होता तो ये समस्या ही नहीं होती। समस्या यहीं पे तो है कि मैं सोचता हूँ कि 5 साल में आखिर इनने किया क्या, ऐसा नहीं गांव के लिए पैसा नहीं आता। अब तो 30% ग्राम निधि कम हो गई है, 15% क्षेत्र पंचायत दे दी गई, 15% जिला पंचायत में। पहले पैसा ज़्यादा आता था, अब पैसा कम आ रहा है, तब भी मैं एक एक पैसे का हिसाब रख के वो काम करवाता हूँ। जिस तरीके से बात किया विधायक निधि से, जिस सड़क पे हम मौजूद हैं ये सड़क जो है विधायक निधि से जो है बनी हुई है। पूर्व में जो जो भाजपा सरकार रही है, जो मौजूदा विधायक हैं आपके यहाँ उनके द्वारा ये बनी हुई पिछले 5 वर्षीय कार्यकाल की ये सड़क है, तो क्या कुछ इस बार भी जो है विधायक द्वारा आपकी कोई मांग है कि कुछ और गांव में आप काम काम कर रहा है? विधायक जी से मांग है और मैंने लिखवा दिया है, प्रारंभिक स्कूल से रूपचंद घर तक ऐसा ही सीसी रोड बिछाएगा जिसकी मोटाई लगभग 8-9 इंच होगी। 2 गऊ घाट बनेंगे, एक रूपचंद घर के वहाँ पे और एक खोली घाट पर। यह काम शायद 2-4 महीने में जल्दी ही होगा और गाँव में विकास की गंगा बहेगी। मैं तो माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत एहसान मंद हूँ कि वो मेरी बात को मानते हैं और मेरी बात को रखते हैं, वो उन्होंने मेरे गांव में काम करवाया। 9.5 लाख रुपए का सीसी रोड है, गांव के सब लोग जानते हैं, आज तक बार नवादा में ऐसा काम नहीं हुआ होगा। मैंने खड़े होके, मेरे गांव के लोगों ने खड़े होके इस काम को करवाया है, एक नंबर का काम हुआ इसमें। अच्छा, अब जिस तरीके से अभी 4 वर्ष का कार्यकाल आपका अभी बकाया रह गया है, तो इन 4 वर्षों में अभी और क्या काम करने की इच्छा है? एक साल बेमिसाल, 4 साल भी बेमिसाल। 4 साल नहीं, मेरी अभी 9 साल बची है। 9 साल मुझे अभी काम करना है और बार नवादा में विकास की गंगा बहानी है। मैं इसी सोच को लेकर काम कर रहा हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस तरीके से हमने जो प्रधान जी हैं वो यहाँ के ब्रजेश कुमार जी, उनसे हमने बात की, उनका साफ तौर से कहना है भी एक वर्ष पूरा हुआ है, एक वर्ष बेमिसाल, आगे अभी 4 वर्ष अभी बकाया है इस 5 वर्षीय के, और आगे 5 वर्ष आगे भी उन्होंने उनको ये इस गाँव में काम कराना है। पीलीभीत से न्यूज़ इंडिया के लिए प्रांत गुप्ता।
प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के जलालपुर कस्बे में एक युवक के घर में संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने युवक की हत्या कर शव को लटकाए जाने की आशंका जताई है। जलालपुर ठकुरानी बस्ती निवासी जर्मिल अहमद, जिसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है, इसका इकलौता बेटा 26 वर्षीय, जिसका शव मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। जीवन रक्षक दवाइयों के बेहतर रखरखाव नहीं करने की शिकायत पर ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती ने ऋषिकेश के आधे दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान कई मेडिकल स्टोर पर दवाइयों के रखरखाव की व्यवस्था बेहतर नहीं मिली। ऐसे में ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती ने मेडिकल स्टोर संचालकों को फटकार लगाई, दवाइयों के बेहतर रखरखाव के लिए दिशा निर्देश भी दिए। यहाँ पर जो है मेरा रूटीन चेकअप किया गया है और मेडिकल स्टोर वालों को ये निर्देश देना बहुत ज़रूरी है और ये कि दवाइयों का जो रखरखाव है बहुत उचित तरीके से करना होता है। काफ़ी कॉस्टली लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है जिनकी सेविंग ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से नहीं करते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। ये ही सारी चीज़ें इन्हें समझाई गई हैं कि दवाइयों का रखरखाव सही से किया जाए और वितरण भी सही से किया जाए और नारकोटिक जितनी भी दवाएँ हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनका मिसयूज ना हो, उसके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन किया जाए। सवारी बन वाहनों में बैठकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली सांसी गिरोह के सरगना सहित 2 सदस्यों को पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने रोहतक से गिरफ्तार किया, जबकि शहर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए 2 सदस्य अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पकड़े गए सदस्यों से पुलिस ने ऋषिकेश में हुई वारदात से संबंधी ज्वेलरी और नकदी भी बरामद की है। सहारनपुर थाना सदर बाजार और क्राइम ब्रांच सहारनपुर की संयुक्त टीम द्वारा लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे से एक घटना में इस्तेमाल स्कूटी लूट का सामान बरामद किया है। सहारनपुर के एसओसीटी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर बाजार और क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 लुटेरे अंशु शिवम और हर्षित प्रजापति को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही एक महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार किए गए लुटेरों के आपराधिक इतिहास की छानबीन भी पुलिस कर रही है। सदर बाजार पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 3 लुटेरों को पकड़ा है। इन्होंने एक महिला के साथ कुछ दिन पहले लूट की थी, जब वो रिक्शे से जा रही थी उसका पर्स छीन लिया था। उसके पर्स में काफ़ी उसकी ज्वेलरी थी और मोबाइल फ़ोन था, वो सभी बरामद हुआ है। जिस गाड़ी से इन्होंने घटना की थी वो गाड़ी बरामद हुई है। इनके और आपराधिक इतिहास क्या है उसके बारे में हम छानबीन कर रहे हैं। इस प्रकार एक लूट की घटना का सफल खुलासा हमारी सदर बाजार और क्राइम ब्रांच की टीम ने किया है। औद्योगिक संस्थानों में लगातार श्रम विभाग द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कारखाना एक्ट के अंतर्गत औद्योगिक संस्थानों को विभाग को श्रमिकों के आधार पर टैक्स देना पड़ेगा, जिसको लेकर औद्योगिक संस्थानों से जुड़े उद्यमियों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। मामले को लेकर उपश्रम आयुक्त कार्यालय कारखाना विभाग को देख रहे अधिकारी से उद्यमियों की एक बैठक हुई, जिसमें लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष और उनकी टीम सहित अन्य संगठनों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि उप श्रम आयुक्त ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि मात्र नोटिफिकेशन के संबंध में नोटिस है, किसी भी तरह से उद्यमियों को परेशान नहीं किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष अनुपम गुप्ता का कहना है कि अगर इस तरीके से उनको नोटिस भेजकर प्रताड़ित किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। इसका इतना भी हो सकता है कि सभी औद्योगिक संस्थान अपने संस्थानों की चाबी जिलाधिकारी को सौंप दें। देखिए, अभी पिलंगनी औद्योगिक क्षेत्र में ADF के द्वारा कुछ नोटिस जारी किए गए, जिसमें उनके यहाँ कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या का मांग की गई। हमारा ये कहना था कि जो भी आप कार्य करना चाह रहे हैं आप एसोसिएशन के साथ लेकर चलें, क्योंकि हमें नहीं लगता कि पिलंगनी में कोई भी इंडस्ट्री ऐसी हो जहाँ 20 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे होंगे। इसी बात को रखने के लिए हमने DM साहब से आग्रह किया था। DM साहब ने ADF को डायरेक्ट किया कि आप उनसे आप बैठकर एक मीटिंग कीजिए, उसके बाद ही आपकी जो आगे प्रक्रिया से बढ़ाई है। ये ADF साहब ने और DLG महोदय के सपोर्ट करने से ADF साहब ने मान ली है और ये जितनी भी सूचनाएं होंगी वो एसोसिएशन के माध्यम से ही आगे प्रसारित होंगी। ये टैक्स इम्पोज करने के संबंध में मीटिंग नहीं थी, ये एक फैक्ट्री एक्ट में एक आवर्त होता है इन फैक्ट्रीज, ठीक है।
तो उसके लिए बैठक कराई गई थी। बेसिकली प्रॉब्लम ये थी इंतजामियों को कि पिलखनी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी फैक्ट्री हमारे वहाँ आवर्त नहीं थी, पहले फैक्ट्री एक्ट में कवर्ड नहीं थी, तो उसके लिए उनको इंटीमेशन लेटर्स जारी किए गए थे कि यदि आप उसमें आवर्त होते हैं तो आप अपना पंजीयन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कराएं। तो इसमें क्या कहते हैं, उद्यमियों को लगा कि उनको नोटिसेस जारी किए गए हैं, जिसके संबंध में एक बैठक का आयोजन करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए थे। बैठक आयोजित की गई आज और यह निष्कर्ष निकला है कि यदि कोई उनके पिलखनी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई फैक्ट्री आवर्त होती होगी तो वो अपने एंड से उसको कराएंगे। श्रावस्ती पुलिस ने अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना सिरिसिया पुलिस ने 7 अपराधियों की गैंगस्टर की कार्रवाई की। सभी संगठित गिरोह के शातिर अपराधी हैं। गिरोह लीडर इब्रार अहमद सहित 6 अभियुक्तों पर यह गैंगस्टर की कार्रवाई हुई। चोरी से जंगल की लकड़ी काटकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु घटना को अंजाम ये दिया करते थे। लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया। इब्रार अहमद और एक अन्य जो है भिनका कोतवाली के रहने वाले हैं तथा अन्य शेष 5 सिरसिया थाने के हैं। उक्त अभियुक्त गणों का एक संगठित गिरोह है जो सरकारी जंगल की लकड़ियों को, सागौन आदि खैरात की लकड़ियों को काटकर अवैध रूप से व्यापार करते हैं और आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रावस्ती के नवीन मॉडल थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरा बाईपास पर एक ट्रक चालक का शव उसके ट्रक में मिला। ट्रक चालक बीती शाम को कटरा बाईपास पर रुकार भोजन कर ट्रक में सो गया। वहीं ट्रक चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और वो सुबह होते ही जानकारी पुलिस को लगी। सूचना पर पहुंचे स्थानीय मॉडर्न थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जाँच पड़ताल में जुट गई है। श्रावस्ती में आशा बहुओं संगठन का परिश्रमिक भुगतान न होने से नाराज आशा बहुओं ने जिलाधिकारी को संबंधित ज्ञापन भेजा। जिले के हरिहरपुर रानी ब्लॉक के आशा बहु कार्यकर्त्रियों ने सीएससी प्रभारी हरिहर रानी के ऊपर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र में बताया कि फरवरी 2022 से अब तक आशा बहुओं का भुगतान नहीं किया गया और पिछले 1 अप्रैल से दिसंबर 2021 तक दिए गए वाउचर के भुगतान में आधी कटौती कर ली गई है, जो कि न्याय संगत नहीं है और प्रभारी द्वारा भ्रष्टाचार कर आशा बहु कर्मियों को भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे सभी कार्यकर्ता परेशान हैं। इसके साथ ही डीएम से मांग की गई है कि सीएससी प्रभारी हरिहरपुर रानी द्वारा किए गए अनैतिक और भ्रष्ट कार्य की निष्पक्ष जाँच की जाए और उसके बाद उन्हें आश्वासन भी दिया जाए। सिद्धार्थनगर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे अपात्र किसानों पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस योजना का लाभ उठा रहे अपात्र किसानों में हड़कंप मच गया। जनपद में कुल 4,55,000 किसान परिवार हैं, जिसमें इस योजना का 3,77,996 किसान परिवार इसका लाभ ले रहे हैं। 2,919 अपात्र किसानों को कृषि विभाग नोटिस जारी कर चुका है। अब तक अपात्र किसानों से 5 लाख रुपए की वसूली भी हो चुकी है। कृषि विभाग को अपात्र किसानों के कुल 1,90,00,000 की रिकवरी करनी है। इसमें विभाग जी जान से जुटा हुआ है। जनपद में कुल 4,55,000 कृषक परिवार हैं, जिसमें से इस जनपद में 3,77,996 कृषक परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है, परंतु इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो लाभ ले रहे हैं जो अपात्र हैं। सिद्धार्थनगर में विकलांग युवक को दबंग से सामान का पैसा मांगना भारी पड़ गया। दिव्यांग को जमकर पीटा गया। दुकान पर सामान लेने आए दबंग ने पैसे मांगने पर दिव्यांग युवक की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित का आरोप है कि दबंग द्वारा दुकान जलाने और जान से मारने की धमकी भी दी गई है और थाने वो पहुंचा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के बरई बनगवा के खैर टेक्निकल के सामने की पूरी घटना बताई जा रही है। अभियुक्त सिकंदर उर्फ गोली निवासी दुर्गापुरवा थाना कोतवाली नगर मिश्रिक से मशरेहटा रोड पर जा रहा था। थाना मिश्रिक पुलिस और स्वास्थ्य सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने उसके कब्जे से 1,800 रुपये, मोटरसाइकिल, तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है।
टिहरी में गंगोत्री हाईवे पर अचानक बोलेरो गाड़ी खाई में जा गिरी। खाई में गिरते ही वाहन में आग लग गई। बता दें कि इसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गुरुवार दोपहर 3:30 बजे की ये घटना है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।